हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शाली और आज मैं बनाऊंगी भटूरे। ज्यादातर लोग भटूरे को दही से बनाते हैं, मैंने इसे नींबू की मदद से बनाया है। नींबू की मदद से बने हुए भटूरे ज्यादा ऑयली नहीं रहते हैं और ये खाने में भी बहुत लाइट वेट रहते हैं। तो आइए भटूरे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 350 ग्राम मैदा, 50 ग्राम सूजी, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1/4 टेबलस्पून मीठा सोडा, नमक, हरी मिर्च, पानी और डीप फ्राई के लिए ऑयल की जरूरत है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें मैदा को निकालेंगे। अब हम इसमें सूजी मिलाएंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें होल करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, हमें इसमें नमक ज्यादा नहीं डालना होता है, 1/4 टेबलस्पून मीठा सोडा डालेंगे और इन तीनों को मिलाएंगे और फिर आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि नींबू का रस वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम पानी की मदद से इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद कर तैयार करना है। इसका आटा बहुत सॉफ्ट गूंथा जाता है। हमारा आटा गूंद कर तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट बाद हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। हम इसे अच्छे से मस लेंगे। और थोड़ा सा ऑयल आटे पर लगाएंगे और इसे अच्छे से गूंथते हुए इसे फाइनल कर देंगे। अब हम गूंथे हुए आटे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इनकी लोइयां बनाएंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने से हमारी लोइयां अच्छे से और जल्दी बन जाती हैं। हम इसकी सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे गोल करते हुए रखेंगे। नींबू के भटूरे बहुत ही सॉफ्ट, बढ़िया और खाने में भी हल्के रहते हैं। अब हम ऑयल गैस पर रखेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जब तक हमारा ऑयल तेज गर्म हो रहा है, हम भटूरे को बेल कर तैयार कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सूखी मैदा लगाते हुए इसे बेलेंगे, नहीं तो भटूरा हमारा बेलन पे चिपकता है। और इसे गोल गोल करते हुए अच्छे से बेल कर तैयार कर लेंगे। हमारा भटूरा बिल्कुल तैयार है और ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम भटूरे को डीप फ्राई करेंगे। हमें इसे हल्के हल्के पलटे से फुलाना होता है, नहीं तो भटूरा फूलता नहीं है। और इसे तेज गर्म ऑयल में ही डालते हैं, नहीं तो भटूरा ऑयल को कंज्यूम कर लेता है। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे और हमारा भटूरा डीप फ्राई हो गया है। अब हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचे भटूरे को तैयार कर लेंगे और ऑयल की गैस को सिम कर देंगे और मिर्च लेंगे और इन्हें नीचे से हल्का हल्का सा काट लेंगे और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ये भटूरे के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। हमें इन्हें नीचे से तोड़ना होता है, नहीं तो ये मिर्च फट जाती है। और इसमें नमक डाल के इसे सर्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।